गागर नींबू है छठ पूजा का, इसको हम काट के अंदर से निकालते हैं, दिखा रहे हैं। इतना ही काटना है जो कि अंदर नहीं कटना चाहिए, बस छिलका को काटना है। अब इसको हाथ दे के थोड़ा सा जगह बनाइए और हाथ दे के इसको छुड़ा लीजिए। इस तरह से उंगली के सहारे छोड़ा लीजिए, ये निकल जाएगा पूरा। छूट गया, और इसी तरह ये भी छूट जाएगा। ये देखिए कितना आसानी से आराम से छूट गया छिलका इसका, और ये पूरा गोटा एकदम। अब इसको चाकू के सहारे, यहाँ थोड़ा ये लगा रहता है इसके, अब इसी तरह पूरा छिलका उतर जाएगा। थोड़ा सा मेहनत है लेकिन बहुत अच्छे से निकल जाएगा एकदम। इसको थोड़ा इधर से काट दीजिए और ये निकल जाएगा। इसको चाकू के सहारे से ये सब भी पूरा निकल जाएगा और पूरा साफ हो जाएगा। ये देखिए इसका छिलका पूरा उतर गया, एकदम चिकना हो गया। ये देखिए कितना किस तरह से निकला है एकदम। और अब इसको ये देखिए एकदम आराम से निकल गया। और अब इसको छिलका निकालना है, तो इस तरह से छिलका निकाल के एकदम आराम से निकल गया, कोई दिक्कत नहीं। देखिए बस इसी तरह से सबको निकाल लेंगे। इसका पूरा दाना दाना निकल जाएगा, एक एक दाना निकल जाएगा। आधा नींबू का निकाले हैं और आधा नींबू मेरा रखा हुआ है बगल में, और इसमें आप चाट मसाला गोलकी का गुंडी डाल के इसको खाइए। हम अभी इसमें डाल रहे हैं काला नमक, इसको आप इस तरह से भी खा सकते हैं। और इस तरह निकालने के बाद इसको जूसर में डाल के जूस निकाल के भी आप पी सकते हो, वो भी बहुत टेस्टी लगता है।